यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल ली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव का दंगल हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है। अब दिल्ली में बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम योगी ने करावल नगर और नरेला में चुनावी रैलियां की। योगी ने लोगों से अपील की कि दिल्ली में राष्ट्रवादी सरकार बनाए। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आंदोलन के नाम पर दिल्ली के लोगों को ठगा गया और दिल्ली का पैसा साजिशों में खर्च किया गया। योगी ने कहा कि मोदी जी दिल्ली का विकास चाहते थे लेकिन केजरीवाल ने करने नहीं दिया, इसलिए दिल्ली के विकास के लिए इस बार बीजेपी की सरकार बनाई। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी विकास परक योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखाई दे, इसके लिए राज्य में भी सरकार होनी आवश्यक है और उस क्रम में जनता जनार्दन मोदी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई देती है। हमने किसी का शोषण नहीं किया लेकिन हम लोग शासन की योजना को फिरके में बांट करके भारत के अंदर किसी भी प्रकार के अलगाववाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं देने देंगे। योगी ने कहा कि आयुष्मान भारत से पूरे देश को लाभ मिल रहा है लेकिन केजरीवाल ने उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में यमुना की सफाई नहीं हुई। योगी ने कहा कि केजरीवाल पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो पाकिस्तान के मंत्री चुनाव लड़ा रहे हैं लेकिन दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है और वो मोदी जी पर ही विश्वास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ के डॉक्टर